Planet Bollywood. एक ही जगह, एक ही समय पर, एक ही छत के नीचे हुआ यामी गौतम और श्वेता रोहिरा का आमना सामना। पुलकित सम्राट से अलग होने के बाद श्वेता ने कई इंटरव्यूज में यामी को उनकी और पुलकित की टूटती शादी की वजह बताते हुए होम ब्रेकर का नाम दिया और वही यामी ने श्वेता के इन आरोपों को एक डिस्गस्टिंग सवाल बताया। लेकिन शायद ही यामी और श्वेता ने सोचा होगा कि इस सब के बाद कहीं उनका हो सकता है फेस ऑफ। दरअसल फिल्म धिशुम की स्क्रीनिंग पर वरुण की तरफ से यामी और श्वेता दोनों को ही इनविटेशन गया। वरुण से मिले इनवाइट के बाद यामी और श्वेता दोनों धिशुम की स्क्रीनिंग पर पहुंचे। लेकिन जैसे ही यामी और श्वेता ने एक दूसरे को देखा वो हो गई शॉक्ड। आई विटनेस की माने तो श्वेता डेजी शाह के साथ बैठी थी जबकि यामी उनकी नेक्स्ट रो में थी। इंटरवल में जहां श्वेता ने बाकी गेस्ट्स को ग्रीट किया वहीं यामी अपनी सीट पर ही बैठी रही। अब क्योंकि हाउस पूरा फुल था इसीलिए ना ही यामी और ना ही श्वेता अपनी सीट को चेंज कर सकते थे। ऐसे में मजबूरा ना चाहते हुए भी इस ऑकवर्ड सिचुएशन का सामना करना ही पड़ा। फिर क्या था, जैसे ही शो खत्म हुआ दोनों बिना किसी से बात किए वहां से जल्दबाजी में चली गईं। ऐसे में तो हम यही कहेंगे कि अच्छा हुआ वहां पुलकित मौजूद नहीं थे वरना सिचुएशन और भी ऑकवर्ड हो सकती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई।